नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रुखसार खान और आप देख रहे हैं जी इंडिया TV1 लाइव पर इस वक्त की अहम और खास खबरें। आगरा से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां पर सरेआम युवक के गोली मार दी गई। बाइक सवारों ने दिया वारदात को अंजाम, घायल युवक अस्पताल में भर्ती। हमलावर युवक मौके से फरार। युवक नवीन वशिष्ठ की हालत अब खतरे से बाहर। सदर थाना क्षेत्र के शमशादाबाद रोड का मामला। अरुण वशिष्ठ छोटू, क्या हुआ था? हुआ ये था कि भाई से मैं मिलने गया था, तो भाई ने सामान खरीदा अपना एक्सरसाइज का, तो उसके बाद मैं देकर नवीन वशिष्ठ ने, अच्छा, तो इतने में मैं इधर गया, भाई अंदर चले गए। भाई जैसे ही बाहर निकले हैं, मैं इधर की तरफ, भाई पेट्रोल पंप की तरफ, तो तीन लड़के बुलेट पर थे, सर्ज गौतम और दूसरे का नाम वो चौधरी रमन चौधरी और तीसरा ये क्या नाम है इसका आरो, और चौथे लड़के से जिससे हमारी बात हुई थी उसके भाई ने कही थी उनसे कि ये नंबर किसका, तो उसने कहा था यार भैया मुझे नहीं पता था, उस लड़के के मोबाइल में हमने नंबर डायल किया था, वो नंबर उसके में पहले फीट था, है ना। तो देखिए, थाना सदर के क्षेत्र के अंतर्गत एक नवीन वशिष्ठ नाम का व्यक्ति है, इसकी उम्र करीब 30 साल है। इसके द्वारा जो है बताया गया है कि इसको कुछ लोगों के नाम ये बता रहा है कि इनके द्वारा जो है इसके साथ जो है वो फायरिंग की गई है और गोली और छर्रे जो है इसके यहाँ बगल में लगे हैं और इसकी अभी जो है ये आउट ऑफ डेंजर है और इसके द्वारा जो है वो पूछताछ की जा रही है। पूछताछ करने के बाद जो भी कार्रवाई होगी वो नियमानुसार वो कार्रवाई की जाएगी। तो कुछ नाम सामने आए क्या? हाँ, इसके द्वारा कुछ लोगों के नाम बताए जा रहे हैं जो इसके कुछ परिचित भी हैं, उन लोगों को वेरीफाई किया जा रहा है। वेरीफाई करने के बाद जो है वजह सामने आए, अभी तो कोई वजह बताई नहीं है और इसको वेरीफाई किया जा रहा है। अगर आपको हमारे चैनल की खबरें पसंद आई हैं तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।